प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम प्रिय शिक्षार्थियों एन के स्टूडियो में आप सबका पुनर एक बार स्वागत अभिनंदन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र असिस्टेंट प्रोफेसर वेद विभाग श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी ओडिशा से आपके समक्ष उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययन पाठ्यक्रमांतर्गत पंचवीसवा पच्चीसवाँ पाठ पंचविंशतिम पाठ जो पृथ्वी सूक्तम है उसके भाग तीन के अध्ययन के लिए पुनः उपस्थित हूँ इस पाठ में हम पृथ्वी सूक्त से संबंधित तेरह से सत्रह तक के मंत्रों का अध्ययन करेंगे तेरहवा मंत्र इस प्रकार है यस्याम वेदिम पिगृहणती भूम्याम यस्याम यज्ञ तन्वते विश्वकर्माण यीये स्वर वृथिव्या मूर्ध्वा शुक्र आहुत पुरास्ता सानो भूमिर वर्धय त्वर्दमाना एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ यस्याम वेदिम परिग्रंढन्ति भूम्याम यस्याम यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणा यस्याम मियन्ते स्वरव पृथ्वीयाम ऊर्ध्वा शुक्रा आहुत्या पुरस्ताद सानो भूमिर वर्धय त्वर्दमाना यह मूल संहिता पाठ हुआ इसके बाद पदपाठ का क्रम प्राप्त होता है पदपाठ इस प्रकार है वेदिम वेदी पीगृहती भूम्यास यम तन्वते यस्याम यीये स्वरवे पृथिव्या ऊर्ध्वा शुक्र सा पुस्ता भूमि सा नह भूमि वर्धयत वर्धमाना यह पाठ संपन्न हुआ इसका सरलार्थ इस प्रकार है यस्याम पृथिव्या दैवा वेद निर्माण यस्यांच यज्ञ संपादय किंच यदा पूर्व प्रकाशमनय यज्ञीयूप मीयूम वर्धयती सती अस्मा अस्मान वर्धयतु। भगवती पृथ्वी के विषय का वर्णन करते हैं कि जिस पृथ्वी में देवता लोग वेदी का निर्माण करते हैं विराट पुरुष रूपी यज्ञ के लिए मानस यज्ञ के लिए वेद निर्माण देवताओं के द्वारा जिस वसुधा में किया जाता और जिस वसुधा में ही विविध प्रकार के यज्ञों का संपादन देवताओं के द्वारा किया जाता और जिस पृथ्वी में आहुति दान से पूर्व ही प्रकाशमान यज्ञ का यूप निर्माण किया जाता है अर्थात यज्ञ से पूर्व में प्रकाशमान यज्ञीय यूप निर्माण करने की परंपरा है उसी को प्रतिपादन करते हुए ऋषि कहते हैं जिस यज्ञ में दान से पूर्व ही अत्यंत प्रकाशमान यज्ञीय यूप का निर्माण कर रखा जाता है वह भूमि हमारे सभी के लिए वृद्धि करती हुई वह स्वयं भूमि वर्धित होती हुई हम सभी को वृद्धि प्रदान करें हम सभी की वृद्धि करें ऐसी प्रार्थना ऋषि के द्वारा इस मंत्र में किया गया है अग्रिम मंत्र है यो नो देश प्रृतनयाद भिदासन भिदासान मनसायो वधेना तन्नो भूमे रंधय पूर्वकृत्व पुनः एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ यो नो देश पृथिवी भिदासान मनसायो वधेना तन्नो भूमे रंधय पूर्वकृत्व यह मंत्र पाठ हुआ संहिता पाठ इसका पाठ अग्रिम प्रस्तुत है यहाँत पृथिवी अभिदासाते मनसा वधेना तम नहा भूमे नूमरंधया पूर्वकृत्व यह पदपाठ हुआ इसके पश्चात इस मंत्र का सरलार्थ विचार करते हैं इस मंत्र में कहा गया हे भगवती वसुधे हे पृथ्वी द्वेष्टि यह युद्धं करोति यह मनसा तथा शस्त्रेण दमन करोती हे पूर्वकृत्वरी तम तम नाशय अर्थात प्रार्थना करता है अपने दुष्टों के संहार के लिए भगवती से हे पृथ्वी जो हम लोगों से द्वेष करता है और जो युद्ध करने की इच्छा रखता है जो युद्धादि करता है और जो अपने मन के द्वारा या शस्त्र के द्वारा दमन करता है ऐसे शत्रुओं को हे पूर्व उत्पन्न होने वाली भगवती वसुधे आप सभी विनष्ट करें ऐसे शत्रुओं का संहार करें ऐसे शत्रुओं का सर्वनाश करें ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में प्राप्त होती है अग्रिम मंत्र है तज्जातास्त तो चरती मर्यास्व विभर्षिस्त चतुष्प तवे मे पृथिवी पंचमे ज्योतिरमृतम मर्त्येभ्य उद्यं सूर्यो रश्मिरातनोती पुनरेक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ स्वि चरंती मर्यास्ं बिभर्षिस्व चतुष्प तवे मे पृथिवी पंचमानेभ्यो ज्योतिरमृत मर्ेभ्य उद्यंूर्यो सूर्यो तनोति यह मूल संहिता पाठ हुआ इसके पश्चात पदपाठ का क्रम है पदपाठ इस प्रकार होता है जातायि चरती मर्यां बिहर्षि द्विपदुष तब इमे पृथिवी पंच मानवा ज्योति अमृत मत उतन आतनोति आतनोती पदपाठ संपन्न हुआ इसका सरलार्थ इस प्रकार है प्राणि तय्य विचरती हे भगवती आपसे उत्पन्न हुए समस्त प्राणी आप में ही विचरण करते हैं आप ही सभी प्राणियों के आश्रय आधार होता हैं और तम पादय धारिणम किंच पादचतुष्टय धारिणम धारयसी इसमें कहा गया कि हे भगवती तुम दो पैर वाले लोगों को भी धारण करती हो और जो जिनका जिनके चार पैर हैं ऐसे जीवों को भी आप धारण करती हो दो पाद से तात्पर्य मनुष्य प्राणी है और चार पाद से तात्पर्य मनुष्यतर पशु इत्यादि संबंधित हैं तो भगवती वसुधा में मनुष्य रूप प्राणी भी रहते हैं और पशु पक्षी इत्यादि भी विचरण करते हैं अतएव द्विपदे संचतुष्पदे ऐसा अन्य मंत्रों में आता है इसमें भी वही कहा गया कि आप दो पादधारियों की और चार पादधारियों को धारण करती हो हे पृथ्वी सर्वे मनुष्या तब ये कृते उद्यन सूर्य स्वकिरणेन अमृत प्रकाशम हे भगवती सभी मनुष्य आपके स्वयं के ही हैं और जिनके लिए सूर्य भी उदित होता हुआ अपने किरणों से अमृत तुल्य प्रकाश प्रसारित करता है जिन मानवों के लिए वे सभी मानव आपके हैं आपके पुत्र रूप हैं अतएव आप हमें आशीष प्रदान करते हुए हमारा कल्याण करते रहें यह भावार्थ इस मंत्र का रहा अग्रिम मंत्र है तान प्रजा संधुरताम समग्रा वाचो मधु पृथिवीधे हिमह्यं पुनः एक बार मैं इस मंत्र को पाठ करता हूँ यह लघु मंत्र है तान प्रजा संदुहृता वाचो मधु पृथिवीधे हिमहियम यह मूल मंत्र हुआ इसका पद पाठ ऐसा है ताह नह प्रजा सं सम अग्रह वाचा मधु पृथिवी दे मह्यम यह पाठ हुआ इसके पश्चात इस मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है मंत्र में कहा गया ते समग्र प्राणिन अस्मभ्यम सम्यक सुखम प्रय्छंतु हे पृथ्वी वाचा मधुरताम अस्मभ्यम प्रयच्छतु हे भगवती हम आप सभी के वे जो सभी प्राणी हैं वह हम सभी के लिए सम्यक सुख प्रदान करें और जो प्राणियों को आप धारण किए हुए है, हैं वे समस्त प्राणी हम यजमानों के लिए हम ऋषियों के लिए सुखानुभूति प्रदान करने वाले हों और हे पृथ्वी हमारी वाणी में आप मधुरता हम सबों के लिए प्रदान करें हम सबों की वाणी सुमधुर होवे वे अपने मधुर रस से हमारी वाणी को भी सुमधुर करें ऐसी प्रार्थना ऋषि के द्वारा इस मंत्र में की गई है अग्रिम मंत्र है विश्वस्व मातरमोषधीना ध्रुवाम भूमि पृथिवीं धर्मणाधृता शिवाम स्यो अनुचरेम विश्वहा पुनः एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ विश्वस्व मातरमोषधीना ध्रुवा भूमि पृथिवी धर्मण धृता शिवाम स्योनाचरेम विश्व यह मूल मंत्र हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार है विश्वस्व मातर ओषधीना ध्रुवा भूमि पृथिवी धर्मण धुता शिवाम स्योना अनुचरेम विश्वहा ऐसी पदपाठ की यह विधा है अग्रिम रूप में इस मंत्र के अर्थ को हम देखते हैं सर्वेश उत्पन्न कारिकायाषधीना मातु दृढ़ाया प्रशस्ताया किंच धर्मेण धृताया कल्याणकारिकाया सुखदान कारिकाया पृथिव्या उपरी सर्वदा विचराम अपने आप को पृथ्वी के ऊपर सुखपूर्वक विचरण करते हुए ऋषि कहता है कि जो पृथ्वी सभी प्राणियों के उत्पन्न कारिका है उत्पन्न करने वाली है और जो विभिन्न औषधियों की मात्र रूपा हैं जो दृढ़ है कठोर है दृढ़ है वो और प्रशस्त रूप में है उसका नित्य रूप में सत्य रूप में है अनेक विस्तृत रूप में है और जो धर्म के द्वारा धारण की हुई है जिसको धर्म ने धारण किया हुआ है धर्मेण धार्यते पृथ्वी ऐसा किसी ग्रंथ में आया है स्मृति ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है और जो कल्याण करने वाली है जो मनुष्यों को विभिन्न प्रकार की सुख प्रदान करने वाली है ऐसी पृथ्वी भगवती वसुधा के ऊपर हम सर्वदा हम सभी ऋषि लोग सर्वदा विचरण करते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं यह इस मंत्र का सरलार्थ हुआ इसके साथ ही यह भाग परिपूर्ण हुआ आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद